दोस्तों आज है 27 दिसंबर और आज है दबंग खान यानी सलमान खान की बर्थडे। दोस्तों 27 दिसंबर 1965 को सलमान खान का जन्म हुआ था। मशहूर राइटर सलीम खान साहब के वहाँ सलमान खान का जन्म हुआ। दोस्तों वो एक्टर बनना कतई नहीं चाहते थे। वो जब इनिशियल स्टेज में उन्होंने सोचा कि मैं अपना करियर बनाऊँ तो उनको राइटर बनना पसंद था और वो बतौर अपने फादर की तरह वो राइटर बनना चाहते थे और उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी और वो लेकर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे कि मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, ये स्टोरी लिखी है और इसके ऊपर आप मूवी बनाइए। पर महज 19-20 साल के रहे होंगे और उन्होंने जो स्टोरीज लिखी थी वो डायरेक्टर्स इतनी मैच्योर लेवल पे वो स्टोरीज को नहीं देखते थे और उस स्क्रिप्ट पे वो कभी काम करना नहीं चाहते थे। अब वो कई बार कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पास स्क्रिप्ट लेकर गए थे और ये बात सलीम खान साहब को पता चली कि सलमान खान राइटर के तौर पे लॉन्च होना चाहते हैं और उसके लिए स्ट्रगल कर रहे। तब उन्होंने सलमान खान को बुलाकर कहा कि आप अभी बहुत छोटे हो और बतौर राइटर आप अगर किसी के पास जाते हो तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। अगर आपको काम करना ही है, करियर बनाना है, तो अभी आप एक्टिंग के बारे में सोच सकते हो और बतौर एक्टर आप काम कर सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक्टिंग में ट्राई किया जाए। उन्होंने अपने जितने भी जानने पहचानने वाले थे उनको बताया कि एक्टिंग मेरा अब करियर बनेगा और मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो उनको बतौर एक्टर लेने के लिए उस टाइम पे भी कोई तैयार नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत जगह पे बात कर रखी थी पर बात नहीं बनी थी कि फिल्मों में काम मिले। उस दौरान वो एक बार ऐसा हुआ कि किसी स्विमिंग पूल के अंदर से वो स्विमिंग कर रहे थे, तब वहां पे कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी के प्रोडक्शन हाउस से कुछ लोग वहां पे मौजूद थे। उन्होंने सलमान खान को देखा, तब उनको बतौर मॉडल ऑफर गई और एक कोल्ड ड्रिंक की एड में वो बतौर मॉडल लॉन्च हुए। उसके बाद उनको मॉडलिंग के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे पर उनका मेन एम था फिल्मों में काम करना, क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड से आते थे वो और फिल्मों में काम करना उनका पैशन बन गया था। तो उन्होंने फिल्मों में काम करने की तलाश जारी रखी। तो 1988 में एक फिल्म आई थी बीवी हो तो ऐसी, जिसमें रेखा जी लीड रोल में थी और वो एक सामाजिक फिल्म थी। उस फिल्म में सलमान खान रेखा जी के देवर के तौर पे लॉन्च हुए और वहां से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। अब उसमें बतौर एक जूनियर आर्टिस्ट या आप बोल सकते हो कि सपोर्टिव रोल में थे तो उतना एक्सपोजर उनको नहीं मिला था। उसके बाद अगले साल ही सूरत बढ़ जाते यानी राजश्री प्रोडक्शन के बैनर के अंडर में फिल्म बनाई 1989 में मैंने प्यार किया, जिसमें सलमान खान बतौर हीरो लॉन्च हुए और वो फिल्म उस जमाने में यंगस्टर्स को बहुत ही पसंद आई थी दोस्तों और उस टाइम पे सुपर डुपर हिट रही थी। पर इतना सक्सेसफुल मूवी जाने के बाद भी सलमान खान को फिल्म में और फिल्मों की ऑफर नहीं आ रही थी। तब सलीम खान साहब ने एक आइडिया लगाया। उन्होंने जीपी सिप्पी साहब को बोला कि आप एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मेरी अगली फिल्म जो आ रही है उसमें सलमान खान एज अ हीरो काम करेंगे। अब ये चीज उन्होंने कुछ फिल्मी मैगजीन्स वगैरह में छपवाई। अब जैसे ये खबर छपी कि सिप्पी साहब सलमान खान को लेकर फिल्म बना रहे हैं तो और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि सलमान खान को लेकर फिल्म बनाई जाए। तो दोस्तों उसके बाद उनके पास कई सारी फिल्मों की ऑफर गई और उन्होंने काफी सारी फिल्में की। और एक यूनिक बात जो आज तक सलमान खान की जो इनिशियल करियर था उसमें ये देखने को मिली है कि शुरुआती जो उनकी जितनी भी फिल्में थी उसमें हर एक फिल्म में एक नई हीरोइन लॉन्च होती थी दोस्तों। और ये दौर करीबन शुरुआत की जो उनकी 8-10 फिल्म थी उस दौरान ये चला और ये ट्रेंड उनको बहुत ही फा गया था और ये सक्सेसफुल रहे थे उसमें दोस्तों। वो फिल्मों में फिर बतौर हीरो सुपरस्टार बन गए और काफी अच्छा करने लगे। पर जब बचपन से वो देख रहे थे कि सलीम खान साहब जितने भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनको किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं, तो ये बात जनरेशन वाइज उनके अंदर भी आई थी और उनको भी पसंद था कि अगर कोई जरूरतमंद है और उसको कुछ हेल्प की जरूरत है तो वो जितना भी हो सके हेल्प करे। तो
2012 की बात है दोस्तों, कि वो कुछ सोच रहे थे कि अब मैं, मेरा एक्टिंग करियर तो सेट हो गया है और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो क्यों क्यों ना सलीम खान साहब की तरह मैं भी कुछ बहुत ही जरूरतमंद लोगों के लिए बड़े पैमाने पे करूँ कुछ। तो उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, वो सब चल ही रहा था। उस दौरान ये हुआ कि बीइंग ह्यूमन का उनको ख्याल आया और 2012 में बीइंग ह्यूमन का उन्होंने इनोग्रेशन किया। अब बीइंग ह्यूमन लॉन्च होने के बाद उसमें फंडिंग की बहुत जरूरत रहती है, तो उसके लिए उन्होंने अपने जितने भी जानने पहचानने वाले थे, दोस्त थे, कि जो भी इतने सक्षम थे कि उसमें कुछ हेल्प कर पाए, उनको उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। कुछ लोगों ने शुरुआती दौर में हेल्प की, कुछ फंडिंग भी दिया। पर दोस्तों, अगर एक इस टाइप का एनजीओ चलाना हो कि जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं या फिर जरूरतमंद बच्चे हैं उनको आए दिन बार बार हेल्प करें, तो बहुत सारा फंडिंग की जरूरत होती है। और अगर आप किसी के पास फंड मांगते हो, अगर अपने जानने पहचानने वाले दोस्त या किसी रिश्तेदार से, तो आप एक दो बार मांग सकते हो या ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मांग सकते हो। तो उन्होंने जब इस फाउंडेशन के लिए लोगों से मदद मांगनी शुरू की, तो शुरुआती दौर में उनको मदद मिली, फिर बाद में मदद मिलनी बंद हो गई क्योंकि बार बार कोई इस टाइप से मदद नहीं करता है। तब वो सोच रहे थे कि मुझे ये काम बंद तो नहीं करना है, पर मैं कुछ भी ऐसा करूं कि जिससे इस फाउंडेशन में कुछ ना कुछ फंडिंग आना शुरू हो जाए। अब जो वो फिल्मों में कमाते थे उसमें से अच्छा खासा हिस्सा बीइंग ह्यूमन में दे देते थे, पर फिर भी वो इतना काफी नहीं था जिस पैमाने पे काम चल रहा था उस पैमाने के हिसाब से। तो दोस्तों कहते हैं कि अगर दिल में आपका दिल सच्चा हो तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ रास्ता दिखा ही देता है। तो यूं हुआ कि एक बार मिथुन चक्रवर्ती के बेटे का लॉन्चिंग हो रहा था, उसकी पार्टी थी और उस पार्टी में वो गए थे। अब उस पार्टी में गए थे तो उनको, जो उनकी मदर है सुशीला जी, वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग कर लेती है, तो बतौर शौक वो खुद पेंटिंग कर लेते हैं। और उस पार्टी में जब वो गए थे मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की लॉन्चिंग पार्टी में, तब उन्होंने अपनी खुद की टी शर्ट पे एक पेंटिंग कर दी थी, ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल सकते हैं। तो उस पेंटिंग को देखकर वहां पे काफी लोगों ने उसको सराहा, उसको नोटिस किया और बोला कि ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तब उनको ख्याल आया कि ये एक आर्ट है जो मेरे अंदर है और ये लोग इसको पसंद करते हैं। उसी वक्त उसके साथ साथ यूं हुआ कि जब वो वहां पे गए थे, तब प्रेस मीडिया से काफी लोग मौजूद थे, तो उनके फोटोज अखबार में छपे, टीवी पे उनको दिखाया गया, वगैरह वगैरह हुआ। तो उन्होंने जो टी शर्ट यूनिक पहनी थी, जो अपने खुद अपने हाथों से उन्होंने पेंटिंग करके डिजाइन की थी, वो उसके 2-3 दिन बाद ही मार्केट में हर जगह बिकने लगी। किसी ने उसकी कॉपी करके मार्केट में बेचने को डाल दी। तब जाकर उनको ख्याल आया कि ये, अगर ये चीज जो मेरे अंदर है, जो मेरी कला है, उसको अगर मैं इस तरह से गारमेंट के अंदर, क्लोथिंग के बिजनेस में उसको मैं अप्लाई करूं और उसको मार्केट में डालूं और वहां से जो भी फंड आता है उसको बीइंग ह्यूमन में लगाऊं, तो बीइंग ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा कहीं से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये ख्याल आते ही उन्होंने गारमेंट कंपनियों को कांटेक्ट में बात करना शुरू कर दिया और वहां से एक कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। और उसके बाद बीइंग ह्यूमन के लिए उस कंपनी में उन्होंने डिजाइन्स देना शुरू किया और वो कंपनी जो भी बेचती थी उसकी जो आय होती थी और उसका जो सलमान खान का हिस्सा था, तो वो टैक्स पे करने के बाद जो भी बचता था वो सारा बीइंग ह्यूमन में वो लगा देते थे। दोस्तों, जिस कंपनी के साथ उन्होंने टाइप किया था उसकी एक लिमिट थी, वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाती थी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया और जो कंपनी बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट्स बनाती है, सलमान खान की जो ब्रांड है उसको वो बाजार में मूव करती है और उससे जितना भी रेवेन्यू होता है वो टैक्स काट के बीइंग ह्यूमन के अंदर वो देते हैं। और जितने भी जरूरतमंद बच्चे होते हैं इस देश के अंदर, उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं कि इन बच्चों को इतना हेल्प किया जाए और बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के बेस पे वो उनको हेल्प करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अगर एक मकाम पे पहुंच जाते हो फिर भी
आप जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनके बारे में सोचते हो और उनके बारे में कुछ करते हो। दोस्तों ये चीज़ उनको सलीम खान साहब के पास से जनरेशन टू जनरेशन जो आगे बढ़ी है वो मिली है। सलीम खान साहब आज भी जरूरतमंद लोगों को अपने घर के नज़दीक एक गार्डन है वहाँ जाकर हेल्प करते हैं। और बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी बच्चे हैं जिनको वाकई में हेल्प की जरूरत है तो वहां पे वो इनको हेल्प करते हैं। दोस्तों एक सुपरस्टार होने के नाते उनकी ये जो बात है जो जितने भी लोगों को जरूरत है उनको वो जाकर हेल्प करते हैं। दोस्तों सफलता के एक मकाम पे पहुंचने के बाद भी अगर आपको एक जरूरतमंद समाज है एक वर्ग है जिसको किसी न किसी तरह से मदद की जरूरत है ये ख्याल आपके दिमाग में रहता है और उसके लिए आप सच में वाकई में कुछ कर देते हो तो ये चीज आपको भीड़ से अलग ले जाती है। इंसानियत होना इंसानियत दिखाना और इंसानियत से भरे काम करना ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग है। और अगर आप वाकई में दिन रात इंसानियत के लिए काम करते हो तो उसके लिए तो क्या मिसाल दी जाए दोस्तों। और वो आज 54 साल के हो गए हैं और सलमान खान वो कर रहे हैं। आज उनकी बर्थडे है हम बॉलीवुड धमाल टीम की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि वो देश के बच्चों के लिए समाज के लिए जितने भी ऐसे अच्छे कार्य है वो करते रहे और समाज के लोगों के काम आते रहे। दोस्तों दोस्तों हमारे साथ बने रहिए हम बॉलीवुड धमाल की ओर से आपको ऐसे नई नई बातें बताते रहते हैं और आपके बीच में हर रोज एक नई बात लेकर आते रहते हैं वो चाहे किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में हो किसी भी मोमेंट के बारे में हो या कोई भी ऐसा वाकया हो जो जानने में आपको मजा आए। और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों हम इंस्टाग्राम पे हैं हम फेसबुक पे हैं हम ट्विटर पे हैं हम टिकटॉक पे हैं हम हर जगह पे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और हर रोज ऐसी बातें जानते रहिए। आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे गुड बाय।